गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4, पुस्तक। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4, पुस्तक हमारी मित्र। ओके, कंटिन्यू चालू है, पार्ट 5 में आ गए हैं। अभी आपने लास्ट टाइम अंतर्देशीय लिफाफा पोस्टकार्ड के बारे में जाना था। ओके, अभी ये 4 नंबर आप टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 21 में देखिएगा। 4 नंबर के प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न आपका, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने पत्र के पास क्या करना है, एक पत्र लिखना है। अपने मित्र को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। अपने मित्र को पत्र लिखिए, अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। जैसे कि घटना है नदी में बाढ़ आना, है ना, नदी में बाढ़ आना के बारे में आपको लिखना है उनको। और इसमें आप देख रहे हैं, इतना जानिए पेशवर लोगों का क्या क्या लिखा हुआ है, है ना, बजाज, जिल्सबाज, खरीदी, ये। तो मैं आज आप लोगों को फिर नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें चिट्ठी का संदेश लिखा हुआ है योग्यता। पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था, 15 अगस्त 1972 में। पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था, पिन कोड यहाँ लिखिए, पिन कोड, है ना, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, है ना, 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग के पोस्टल नंबर योगदान के नाम से किया गया था। किसके नाम से किया गया था, डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योगदान के नाम से किया था। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स का नंबर का छोटा रूप है। पिन कोड नंबर कितने अंकों का होता है, ये प्रश्न आ सकता है आपका, है ना। पिन कोड नंबर कितना होता है, कितने का होता है, यहाँ प्रश्न आएगा, पिन कोड नंबर का अंक कितना होता है। तो पिन कोड नंबर 6 अंकों का होता है, कितना होता है, 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का। पिन कोड का अंक कितना होता है, 6 अंकों का होता है। और ये लिफाफे में लिखा जाता है, अंतर्देशीय में या पिन कोड का लिफाफे पर लिखा अंक होता है, कोई सा भी अंक होता है, जहाँ का, जैसे आपके गुजरात का है वो अंक, जैसे लास्ट में आता है 58, उसके पहले तो 6 अंक का होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 110016, ओके, कहीं और का होता है। उसी तरह से आपके भी 8413 01, ऐसे ETC, जो भी जहाँ जहाँ का स्टेट है वहाँ का अलग अलग पिन कोड होता है, तो अलग अलग हमका अड़ा जब लिखना होता है तो हम यूज़ करते हैं। ओके, योग्यता का विस्तार, चिट्ठी का संदेश, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। क्या है, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का अखबार। छोटा सा कागज़ बिन पैर करता दुनिया भर की सैर। क्या करता है, एक छोटा सा कागज़ कहा जाता है, पूरे दुनिया का सैर करता है। ओके, करता दुनिया भर का सैर, नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। क्या करता है, वो नए संदेश सुनाकर एक दूसरे के दिल का तार जोड़ता है, एक दूसरे के पास ले जाता है कि यहाँ का संदेश यहाँ है और वो है। ओके, चलिए अभी हम फिर देखेंगे भाषा सहजता में। यहाँ आपको पिक्चर दिखाया गया 23 में, क्रिया के बारे में बताया गया है। यह एक उद्यान है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, खा रहा है, ये सब क्या होता है, क्रिया होता है। तो मैं आज आपको क्रिया के बारे में बताऊंगी कि इन वाक्यों में कुछ क्रिया हो रहा है, जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, आप यहाँ देख लीजिएगा,
क्रिया किसे कहते हैं, है ना? जैसे आपका बुक बाइंडर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक बाइंडर को? पोस्ट ऑफिस को क्या कहते हैं? डाकघर। बुक बाइंडर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बुक, है ना? जो आप कवर लगवाते हो, बुक बाइंडर, बाइंडर को क्या बोलते हैं हम? जिल्द साज, जिल्द साज, ओके, है ना? जिल्द साज। पोस्ट ऑफिस को डाकघर, है ना? ग्रोसर पंसारी, वेजिटेबल, है ना? वेजिटेबल विंडोर डोर मीन्स कुंजरा, है ना? चलिए नेक्स्ट, अभी आप क्रिया के बारे में जान जाते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, है ना? अगर आपके पास प्रश्न आ जाए क्रिया किसे कहते हैं, तो कैसे क्या करेंगे कि हम प्राणी कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? हम प्राणी कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम सब अनेक काम करते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, नहाना खाना, ये सब क्या है? एक काम है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं झूला झूल रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना? फिर यहाँ यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? चलना, दौड़ना, हंसना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब क्या है? एक क्रिया दर्शाता है, इसे क्रिया बोलते हैं, है ना? तो क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से क्रिया किसे, जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने, किसी किसी काम के होने या करने, होने या किसी काम के होने या करने का बोध होता हो, करने का बोध होता है या पता चलता है, या पता चलता है ना, पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। पता चलता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों हमको क्रिया, एक मिनट, क्रिया कहलाते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि हम क्या करते हैं, और कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया है, है ना? कैसे पता चलेगा? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको दिखाया जाएगा कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या है? पढ़ा रहा हूँ, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, खेलता हूँ, है ना, पढ़ता हूँ। तो ये क्या है? इससे पता चलता है कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो करने वाले को क्या फिर कहते हैं? तो इसी में आपको पता चल रहा है कि क्रिया। तो जैसे क्रिया क्या क्या हुआ आपको? क्रिया का वाक्यों में प्रयोग होना बहुत जरूरी है। क्रिया के बिना
बिना वाक्य अधूरा रहता है ना। यहाँ लिखती हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे क्रिया क्या क्या हुआ, यहाँ देखिए लिखना है ना, लिखना पढ़ना ये सब क्या है, क्रिया है, पढ़ना चलना है ना, दौड़ना खाना है ना, खाना या लिखना ना, पीना खाना पीना, खेलना खेलना, देखना देखना, ओके आदि, जैसे यहाँ रहेगा जैसे है ना, आदि शब्द क्रियाएं हैं, आदि शब्द क्या है, क्रियाएं हैं है, ओके आदि शब्द क्रियाएं हैं। तो आप समझ लें कि क्रिया क्या है, कैसे क्या क्या है, लिखना पढ़ना चलना दौड़ना खाना पीना ये सब क्या है, क्रिया। आप जो क्रिया करते हैं उनकी सूची बनाइए, आप जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाइए। तो हम कैसे सोचे, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कितने होते हैं दो, कौन का, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाना है ना। हम सूची बनाते हैं कि कैसे कौन से क्रिया करते हैं, पहला लिखते हैं यहां से, यहां से लिखिए सकर्मक क्रिया है ना, यहाँ क्रिया, ओके इसके नीचे एग्जांपल लिखूंगी। सेकंड है अकर्मक क्रिया, सेकंड नंबर है यहाँ आपका अकर्मक क्रिया, मक क्रिया, ओके सेकंड अकर्मक क्रिया है ना। तो सकर्म की क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के साथ का प्रयोग होता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीमा आम लाएगी, यहाँ सीमा क्या करता है, क्रिया करता है, अकर्म क्रिया। पहले सकर्म के बारे में हम जान जाते हैं, सकर्म क्रिया किसे कहते हैं, ये जो सकर्म क्रिया है ये दो क्रिया है ना। यहाँ मैं पार्ट कर देती हूँ, वन पार्ट टू पार्ट। तो क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सकर्म क्रिया अकर्म क्रिया, ओके। सकर्म क्रिया किसे कहते हैं, लिखिए जिस क्रिया के साथ कार्य का प्रयोग होता है, प्रयोग होता
है ना, होता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका सात है ना, प्लस क्या है कर्मक, कर्मक कर्म यानी कि कर्म के, क्या है यहाँ कर्म के। ओके ठीक है, फिर लिखेंगे यानी कर्म के साथ क्रिया का होना, कर्म के साथ, कर्म के साथ क्रिया का होना। अभी हम क्या आपको बता रहे हैं, क्रिया का होना, सकर्म क्रिया। तो यहाँ स्पष्ट देखें, ध्यान दीजिएगा, जिस क्रिया के साथ कार्य का प्रयोग होता है उसे सकर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे स मीन्स सात, ओके, यहाँ डैश प्लस ककर्म है ना, यानी कि काम के, कर्म के साथ, कर्म के साथ, सॉरी कर्म के साथ क्रिया होना है ना, कर्म के साथ क्रिया होना। जैसे कि हम आपको बताएंगे सीमा आएगी, यहाँ एग्जाम्पल में है सीमा, सीमा आएगी, आएगी है ना, सीमा आएगी या सीमा आम लाएगी। चलिए यहाँ लिख देते हैं सीमा आम लाएगी, यहाँ लिखिए लाएगी है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, सीमा क्या है, ये सीमा है कर्ता, ठीक है, सीमा कर्ता, और आम क्या है कर्म, आम क्या है ये कर्म, आम कर्म है, ठीक है राइट, ये कर्ता है, सीमा कर्ता है ना, और लाएगी क्या है, ये लाएगी क्या हो जाएगा आपका यहाँ क्रिया, समझ गए, समझ में आ गया। तो सीमा आम लाएगी, तो कर्ता का कर्म है क्रिया है ना, तो यहाँ कर्ता है, कर्म है और क्रिया दोनों आपको तीनों साथ में मिल गए। चलिए सकर्म के बारे में जानेंगे, अकर्म, ये सकर्म हो गया आपका, अब अकर्म किसे कहते हैं, जिस क्रिया के साथ, ये जो अकर्म हमने लिखा है ये किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, लिखिए जिस क्रिया के साथ, यहाँ आएगा आपका जिस, छोटा छोटा थोड़ा छोटा राइटिंग में लिख रहे हैं कि जल्दी हो जाए, जिस क्रिया के साथ, क्रिया के साथ है ना, इसमें क्या है प्रयोग, क्रिया के साथ कार्य का प्रयोग होता है, यहाँ आ जाएगा अकर्म क्रिया में आपका, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है ना। आप यहाँ ध्यान देंगे सकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सकर्म अकर्म, जिस क्रिया के साथ कार्य का प्रयोग होता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती उसे अकर्म क्रिया कहते हैं, नहीं होती जानिए उसे अकर्म, अकर्मक, अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं है ना। ओके राइट, चलिए जैसे अब यहाँ हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं अ बिना है ना, आप ध्यान दीजिएगा अ बिना प्लस कर्मक, ओके, अ बिना प्लस कर्मक, कर्म
के, ओके, कर्म के। यानी कर्म के बिना, यानी कर्म के बिना, ओके, कर्म के बिना हो गया। जैसे अकर्म क्रिया से हमें कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? अकर्म क्रिया से हमें कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? अकर्मक क्रिया से हमें कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? उत्तर यहाँ के मिलता है ना, कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है ना। जैसे वह पढ़ रहा है, क्या है? करता है ना। यहाँ वह पढ़ रहा क्रिया क्या है? जैसे वह पढ़ रहा है ना। यहाँ एग्जाम्पल के लिए अकर्मक क्रिया है, वह पढ़ रहा है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे? वह क्या है? करता है। यहाँ वह क्या है? करता है, ओके, ठीक है। पढ़ रहा है क्या है बच्चों? पढ़ रहा है क्रिया है। यहाँ क्या है? पढ़ रहा है वो क्रिया है, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको। अब जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रोया है ना। यहाँ बच्चा रोया, ठीक है, बच्चा रोया, तो यहाँ बच्चा क्या होता है? कर्ता बनेगा, और रोया क्या हुआ? क्रिया। रोया क्या हो जाएगा आपका? क्रिया, ओके। तो ये आपका क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ओके। तो इसके बारे में अभी आपने जाना। चलिए सूची बनाकर बता देते हैं कि कर्म में कैसे लिखते हैं। आपने क्रिया के बारे में जान लिया। वाक्य है ना, निम्नलिखित वाक्य क्या करेंगे? हम पूरा करेंगे। निम्नलिखित वाक्य पूरा कीजिए। अगर वाक्य अधूरा है तो कैसे पूरा करेंगे? निम्नलिखित वाक्य पूरा कीजिए। जैसे खेलता है ना, खेलता है, तो कौन खेलता है? यहाँ कोई आएगा ना, कौन खेलता है? रमेश खेलता है, दिनेश खेलता है, या वह क्या करता है? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? वह खेलता है या रमेश खेलता है, रमेश है ना, रमेश क्या करता है? तो रमेश खेलता है। रमेश क्या करता है? तो रमेश खेलता है।